शक्ति अस्तित्व के एहसास की शो में सौम्या की बेटी हीर का किरदार सौम्या की डेथ के बाद अब शो का लीड रोल बन चुका है, जिसे निभाने वाली एक्ट्रेस जिज्ञासा सिंह बहुत ही अच्छे से निभा रही हैं। और इनका ये किरदार एक भोली भाली और एक शांत लड़की का किरदार है, जो अपने अस्तित्व को हासिल करने के लिए काफी संघर्ष कर रही है। और इसी किरदार को जिज्ञासा बहुत ही खूबसूरती से निभाकर सभी दर्शकों की फेवरेट बन गई हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हीर का ये किरदार जिज्ञासा को मिलने से पहले टीवी की कई मशहूर अभिनेत्रियों को इस रोल के लिए ऑफर दिया गया था, पर किसी न किसी वजह से वो सभी एक्ट्रेस इस रोल में फिट नहीं हो पाई, जिसके चलते शो के मेकर्स ने उन सभी को इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद जिज्ञासा को ये रोल ऑफर हुआ और आज वो इस रोल को निभाकर सभी का दिल जीत रही हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी की उन्हीं पॉपुलर एक्ट्रेस से रूबरू करवाने वाले हैं जो हीर के किरदार के लिए रिजेक्ट हो चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो अभिनेत्रियाँ। नंबर 5, अदिति भाटिया। ये है मोहब्बतें शो में रमन और इशिता की बेटी रूही का किरदार अदिति भाटिया ने काफी अच्छे से निभाया था, इसलिए इन्हें हीर का रोल ऑफर किया गया था, पर ये इस रोल की गंभीरता को ठीक से नहीं समझ पाए, इसलिए स्क्रीन टेस्ट के दौरान इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार हुआ, जिसके चलते शो के मेकर्स ने इन्हें इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 4, जन्नत जुबैर। टीवी का जाना माना नाम है एक्ट्रेस जन्नत जुबैर, जो अब तक हीर के किरदार की तरह ही कई किरदार निभा चुकी हैं, इसलिए इन्हें भी ये रोल ऑफर किया गया था, पर जब हीर के किरदार में इनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया तो ये उसमें भी फेल हो गई थी, क्योंकि शो के मेकर्स ने इनकी एक्टिंग को दर्शकों के नजरिए से देखा तो उन्हें इनकी एक्टिंग दर्शकों के नजरिए से बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इन्हें भी इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था, साथ ही एक्टिंग स्किल्स को सुधारने की बात कही। नंबर 3, महिमा मकवाना। रचना के किरदार से प्रसिद्ध हुई एक्ट्रेस महिमा मकवाना ने भी हीर के किरदार के लिए एक स्क्रीन टेस्ट दिया था, पर ये भी बाकियों की तरह इस रोल के लिए रिजेक्ट हो गई थी, जिसके पीछे का कारण ये रहा कि स्क्रीन टेस्ट के दौरान ये डायलॉग तो काफी अच्छे से बोल रही थी, पर इनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन इनके डायलॉग से मैच नहीं हो रहे थे, जिसके चलते शो के मेकर्स ने इन्हें भी हीर के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 2, अदा खान। खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनने से पहले अदा खान को हीर के किरदार के लिए चुना गया था, पर ये इस किरदार में फिट नहीं हो सके, क्योंकि हीर के किरदार के लिए बहुत ज्यादा बड़ी नजर आ रही थी, जिससे कि हीर का कैरेक्टर इन पर सूट नहीं हुआ, इसी वजह से शो के मेकर्स ने इन्हें हीर के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद ये खतरों के खिलाड़ी में जबरदस्त स्टंट करती नजर आई थी। नंबर 1, हेली शाह। चुलबुली अदाकारा हेली शाह को भी हीर का ये किरदार ऑफर किया गया था और ये भी इस किरदार को करना चाहती थी, और शो के मेकर्स को भी इन पर पूरा भरोसा था कि इस किरदार को अच्छे से निभा लेंगे, पर मेकर्स के सख्त स्क्रीन टेस्ट के दौरान ये काफी नर्वस हो गई थी, जिसके चलते ना तो डायलॉग सही से बोल पाए और ना ही इनके एक्सप्रेशंस अच्छे आ पाए, जिसका नतीजा ये निकला कि शो के मेकर्स ने इन्हें भी हीर के किरदार के लिए रिजेक्ट कर दिया, और इस तरह से इनके हाथ से ये शो भी निकल गया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इनमें से कौन सी एक्ट्रेस जिज्ञासा सिंह के हीर वाले किरदार के लिए परफेक्ट साबित हो सकती थी? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।